नमस्कार, मैं सिद्धांत कुलकर्णी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आया हूँ भाटिया म्यूजिकल्स पर। इसके जो शॉप की जितने भी शॉट्स है वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा कि यहाँ पर क्या खास बात है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो आइएगा मेरे साथ साथ चलते हैं दुकान के अंदर। फटाफट मेरे साथ साथ आते रहिए। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, बट मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं एंट्री तो अभी ऐसे ही लूँगा, रूल्स का पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आइएगा, आगे चलते हैं अंदर। आ जाइए साथ साथ, आइए फटाफट, बिल्कुल आइए। सर नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रभु, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। तो ये है मिस्टर संदीप भाटिया जी, और सबसे पहले हम एक दूसरे को अलाउ करने वाले हैं कोविड की जो जितने प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए। सर आपकी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है? आई एम परफेक्ट विद वैक्सीनेशन, यस। मेरी भी वैक्सीनेशन बिल्कुल कंप्लीट है और बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये आपको मेरे हालात और सर के हालात से पता लग रहा होगा, तो इसलिए हम एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं कि हम अपना अपना मास्क रिमूव कर सकते हैं, इफ यू फील कंफर्टेबल। हां आई एम कंफर्टेबल। तो ये है द वन एंड ओनली मिस्टर संदीप भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चैनल पर। और इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी आजकल कुछ इंटरव्यूज की सीरीज मैं शूट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने अपने कोलकाता वाले गुरुजी श्री अनिल चटर्जी उनका इंटरव्यू शूट किया, और जो कि पंडित अजय चक्रवर्ती जी के शिष्य हैं। और उनके बाद मैंने अतर हुसैन जी का भी हाल फिलहाल उस्ताद अतर हुसैन दी अतर हुसैन एक्चुअली उनका इंटरव्यू शूट किया। उसके बाद जो मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं उसके बाद आप सोचें कि उसी लेवल पे कितने स्पेशल ये होंगे और किस लेवल पर होंगे, क्योंकि जो भी जितने भी लोग साज बजाने वाले हैं, गाने बजाने वालों को भी जो भी साजों की जरूरत पड़ती है उन साजों को बनाने वाले हैं ऐसे कलाकार मिस्टर संदीप भाटिया जी। तो इसलिए इनके मुझे इनका काम इतना ज्यादा पसंद आया पर्सनली कि मेरा तानपुरा जो है अभी यहाँ पर, मैं अपने तीन तानपुरे बिल्कुल उनकी हालात मतलब इतने खराब थे, बट उसको कैसे इन्होंने सवारा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो उससे मेरा दिल इतना ज्यादा खुश हो गया है कि मैं रुक नहीं पाया कि एक रिव्यू वाला वीडियो तो बनता है। जो कलाकार डिजर्व करते हैं, जितना डिजर्व करते हैं, हालांकि कलाकार तो बहुत डिजर्व करता है, बट जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हमको जरूर करना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा नजदीक आएंगे। तो ये तानपुरा है जो कि इन्होंने जिसकी सूरत जिसकी शक्ल जो है टोटली बदल दी है। ये तानपुरा सर कलकत्ता का है जी जी, मगर ये इसके हालात इतने खराब थे कि आप ये सोचे कि वैसे तो वो शब्द सही नहीं है इस्तेमाल करना तानपुरे के लिए, बट लिटरली ऐसा जिनसे लाया हूं वो तो नहीं बताऊंगा, बट ये लिटरली ऐसे कबाड़ खाने में रखा हुआ था, गोडाउन में रखा हुआ था, इसकी कोई कदर करने वाला नहीं था। मगर ये इसमें थोड़ा सा क्रैक भी था, इसमें स्ट्रिंग्स भी बहुत अच्छी नहीं थी, और सबसे खराब जो चीज थी वो इसके ब्रिज को लेकर थी, जिसके हालात और भी ज्यादा खराब थे, जिसकी वजह से इसकी जबारी नहीं बोल रही थी, बोल ही नहीं रहा था तानपुरा। तो मैं दो तीन जगहों पर लेकर गया, बट मैं सेटिस्फाई वहां से बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे एक नाम याद आया, मिस्टर संदीप भाटिया जी। मुझे एक्चुअल में अब मैं अपने मन में और अपने जितने भी मेरे सब जानने वाले हैं, मैं इनको डॉक्टर संदीप भाटिया जी बोलता हूँ, मिस्टर नहीं लगाता, डॉक्टर लगाता इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक्चुअल में है, क्योंकि इन्होंने जो करके दिखाया है वो मैं जहां दो तीन जगह जो मुझे ठोकरें पड़ी वो वहां से जो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इन्होंने वो काम करके दिखाया। और ऐसा ऐसा तानपुरा इन्होंने बोलकर दिखा दिया है, बुलाकर दिखा दिया है, जो कि काफी शॉपकीपर्स के लिए असंभव सा मालूम हुआ। तो यहां पर अभी और भी एक और तानपुरा है, अभी देखिए इसके बारे में सर आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, बट मैं सिर्फ अपना रिव्यू दे रहा हूं। इस तानपुरे में भी ये ओरिजिनल रिकी राम जी का बना हुआ तानपुरा है। तो इस तानपुरे को भी सर ने, यहां पर एक क्रैक था, अभी वीडियो में मे भी शायद नजर नहीं आएगा, तो डांड बोलते हैं इसको, इस डांड में क्रैक था जिसकी वजह से साउंड में काफी दिक्कत आ रही थी, बट इसको भी प्रॉपर किस तरीके से रिपेयर किया है वो तो सर ही जानते हैं। इसके अलावा एक और तानपुरा जो लखनऊ का तानपुरा है। अब बात लखनऊ के तानपुरे की बुराई की नहीं है, मगर वहां पर सभी लोग अच्छा तानपुरा बनाते हैं ये भी बात सच नहीं है। तो बहुत सारे तानपुरे ऐसे होते हैं जो अधिकतर खराब उनको मिल जाते हैं, छांटने पड़ते हैं। तो ये उन तानपुरों में से एक तानपुरा अकेला ऐसा है जिसके हालात इतने खराब थे और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, तो उसकी वजह से इसका साउंड आना इम्पॉसिबल सा हो गया था। नीचे रख लेटा के तानपुरा बजाना, ट्यूनिंग अलग, ऊपर रख के तानपुरा बजाना, ट्यूनिंग टोटली अलग। बट ऐसे तानपुरे को भी आप सोचिए कि इतना पुराना और इतना
काबिले तारीफ वाला जो तानपुरा है उसको लोग, बहुत सारे लोग जो मेरे एक्सपीरियंस जो रहा वो ठीक नहीं कर पाए, तो लखनऊ उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था केस, बट यहाँ पर ये भी पॉसिबल हुआ। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, ये अचीवमेंट होना और इतना सुरीला कान होना, इतना अपने काम में परफेक्शन होना, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस मेरा रहा। और साथ ही साथ में सिर्फ तानपुरी की बात नहीं है, मेरा हारमोनियम भी यहां से गया हुआ है, उसकी ट्यूनिंग जैसा सर को बोलते हैं एग्जैक्ट वो वैसा करके दे देते हैं। अगर आप बोलेंगे 441 पे करना है, अगर वो हारमोनियम की रीड्स उस काबिल होंगी तो वो कर सकते हैं, 39 पर लाना है तो वो भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट 440 पर भी लाना है तो आपकी रीड्स के हालात के हिसाब से, हारमोनियम के हालात के हिसाब से ये एग्जैक्ट वैसा काम मुझे मिला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सर आपकी तारीफ तो मैंने बहुत सारी करी। जी बहुत तो अभी यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि इन तानपुरों के हालात कैसे थे और इतना परफेक्शन आपके पास आया कैसे, बाकियों के हर किसी के पास क्यों नहीं है? देखिए सर, परफेक्शन तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि परफेक्शन कम्स विद मोर प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा अपने काम को प्यार से करेंगे, धीरे धीरे आपके काम में परफेक्शन आएगी। अगर आप इफ यू जस्ट वॉन्ट टू ट्रेड इन सरस्वती फॉर लक्ष्मी तो फिर शायद वो चीज नहीं आती, बट अगर आप इसको सरस्वती समझ के और उसी हिसाब से इस पे काम करते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं ये भगवान का कोई स्वरूप है, जो मैं अपनी लगन से करूंगा तो भगवान बोल पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बोलता है, वो भगवान है उसके अंदर, सरस्वती माँ है जो एक्चुअली में बोलती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब मैं एक तानपुरा किसी का भी बनाता हूँ, नया बनाता हूँ या उसकी जवारी वगैरह भी सेट करता हूँ, जैसे इसको भी करता हूँ, तो वी चेक द वेलोसिटी ऑफ द साउंड कि उसकी साउंड मुझे कितनी चाहिए और क्यों नहीं आ रही। जो नहीं आ रही उसको मुझे जवारी को सेट करना पड़ता है, वेरी फाइन काइंड ऑफ टूल्स, बहुत बारीक रेती रेगमाल और बहुत फाइनली करना पड़ता है, क्योंकि जवारी एक ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता। एग्जैक्टली, मतलब वो भगवान के जैसे कि वो दिखता नहीं है, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि अब आपकी जवारी बन गई। उसके लिए मुझे कभी कभी, आप इसको मात्र एक पत्थर समझेंगे, ये एक्चुअली में शालिग्राम भगवान है। आप अगर किसी कृष्ण भक्त से पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ ये उनके हाथ में शालिग्राम भगवान थे, इसलिए हमने उनको यहाँ पे रखते हैं और इनसे इजाजत लेके हम इसकी वेलोसिटीज चेक करते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आवाज लो क्यों आ रही है, जब मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ और वो चेक करता हूँ तब मेरे को वो वाइब्रेशन लेवल समझ आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग दिस जी। अब इसका जो वाइब्रेशन लेवल है इस समय वो एक्यूरेट है, लेकिन जब मैं बना रहा था तब वो एक्यूरेट नहीं आ रहा था, तो मुझे कैसे चेक करना पड़ता है? मुझे इनसे शालिग्राम से जी, मैं देखिए इसको यहाँ करेंगे और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा चारों में से कौन सी तार कम बोली, कौन सी ज्यादा बोली। अरे वाह, चूंकि ये चारों एक्यूरेट बोल रही है तो अब हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन जब अलग अलग बोलती है तो आप महसूस कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस वंस, मैं इसको बजाता हूँ, आप अपने कान से यहाँ पे सुनिए। आप कई शॉप्स में देखेंगे जो तबला बनाने वाले उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, उनके लिए इट्स जस्ट अ स्टोन, बट वो तबला हमेशा इसी से घिसते हैं। तो अपनी अपनी, मतलब आपकी जितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपको चीजों के बारे में ज्ञान होता जाएगा। Exactly. और जैसे आपने पूछा कि अच्छे क्यों बोलते हैं, उसका मेरे पास जेन्युइनली वैसे कोई जवाब नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आई वर्क हार्ड कि मेरा इंस्ट्रूमेंट जब तक तैयार नहीं होता, मैं कई बार खाना भी नहीं खाता, मैं लगा रहता हूँ कि वो तैयार हो जाए और मेरे क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए, दैट इज द ओनली थिंग। सो डेडिकेशन टू योर वर्क इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एक्चुअल में। तो ये इनके एक्सपीरियंस के साथ साथ एक लाइफ लेसन भी है टुवर्ड्स अपने काम के प्रति, जो भी श्रद्धा है, जो आप जिस भाव से, जिस तरीके से एक माँ खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए, तो वहां पर वो जो प्यार है वो खुद ब खुद आता है, क्योंकि वहां पर भाव होता है उस माँ के अंदर।
उसी तरीके से एक जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले जितने भी शख्स हैं, जितने भी महानुभव हैं, जैसे सर हैं, तो वो उसी भाव से अगर आप रख के आप काम करते हैं तो जाकर ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि इन्होंने जिस भाव से काम किया है वो भाव एक्चुअली में इतना स्ट्रांग था कि वो मुझ तक भी डिलीवर हुआ, मेरी रूह तक को शांति मिल गई, तो इनका भाव इतना ज्यादा स्ट्रांग रहा। और मे भी शायद आपने इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे करीब आप देखेंगे कि ये शालिग्राम जो है इन्होंने किस तरीके से सम्मान से रखा है। मैं आपको कुछ तबला मैं सर उठा सकता हूँ? अरे मालिक प्लीज। ये आप सम्मान देख रहे हैं, ये श्रद्धा, ये भावना। कहने के लिए वैसे तो गंगा माँ के लिए भी है कि मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता हुआ पानी, बट कहने के लिए ये पत्थर है मात्र एक छोटा सा कुशन, बट ये कितने सम्मान से रखा हुआ है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो लोग जानते नहीं थे, अब सर ने जो बताया उससे काफी हेल्प हुई होगी, तो कितने सम्मान से अपनी चीजों को रखा हुआ है। अपना जो औजार है एक बार दिखाएं यहाँ पे, अपना जो औजार है इसको रेती कहते हैं, ये भी इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये जो जगह है बिल्कुल साफ सुथरी है। तो आप हर चीज को देखेंगे तो सारी की सारी चीजें एक कलाकार को सिर्फ उसकी जो कला है वही परफेक्ट नहीं बनाती, उसकी इंसानियत, उसकी सोच, उसका विचार, उसका देखने का नजरिया, उसके बैठने का तरीका, उससे उसके बात करने का तरीका, ओवरऑल सब कुछ मिलकर एक कलाकार तैयार करता है। और जो कि मुझे बहुत ज्यादा जगहों पर घूमने के बाद सिर्फ यहाँ नजर आया। नहीं यार, ये उन लोगों में से एक तो इतनी परफेक्शन है कि जब मैं आपका गाना सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि रियाज करके इस लेवल पे आए आप। अक्सर मेरे पास, मैं माफ करिएगा, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सुबह सीखते हैं और शाम को यूट्यूबर बन जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। आप अपने गुरु का नाम भी नहीं लेते कई कई जगह, और ऑटो करेक्ट जो आता है उससे अपनी वॉइस को ठीक कर लेते हैं, वॉइस करेक्शन जो करते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर आप इनको सुनेंगे तो अमेजिंग। ये तारीफ सारी की सारी मेरे गुरु जी को मैं ट्रांसफर करता हूँ, हकदार वो है, मैंने अपनी तरफ से कम ही मेहनत करी है, बस मेरे गुरुओं ने मेरे को ज्यादा दे दिया है, ये कह सकते हैं, तो तारीफ के ज्यादा लायक हुए हैं। तो मैं एक चीज जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये आज की बात नहीं कि मैं एक दो दिन पहले ही सर से मिला हूँ, बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे हारमोनियम सर ही ट्यून करते हैं, मेरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का काम है सर ही करते हैं। तो इस ब्याह पे अब मैंने कोई पैसे नहीं दिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना, मुझे फ्री में तानपुरा मिल रहा है, ऐसा कुछ है, मैं इसलिए प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत एक बहुत बड़ी नाम की चीज है जिसको लोग भूले बैठे हैं, बस उसी के नाते मेरा ये खुद का मन हुआ कि सर के साथ एक ऐसा वीडियो जरूर होना चाहिए। ये सर को, ये सर के लिए भी बहुत बड़ा साबित होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर, और साथ ही साथ में ये मेरी तरफ से छोटा सा सम्मान है इनके लिए कि ये डिजर्व करते हैं, सिर्फ मेरी ही तारीफ नहीं, यहाँ पर जुड़े हुए 2.5-3 लाख और लाखों करोड़ों की तादाद में इनको ये दुआएं मिलनी चाहिए कि इसी तरीके से संगीत की और सेवा कर पाए और हर एक संगीतकार को खुश कर पाए, वो जिस लायक है उससे ज्यादा उनको दे पाए। तो आप सबकी दुआएं भी आप इनको जरूर दें, और अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मैंने शॉप का एक ओवरव्यू, एक मैंने वीडियो बनाया है, तो वहां पर उसमें बाहर जो मेन बोर्ड था वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, सर का एड्रेस भी है शॉप का, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप सर को फोन करके मेरा नाम लेते हैं कि आपने मेरे चैनल पर ये वीडियो देखी थी तो कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, डोंट वरी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, सर का दिल बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे लिए तो ये बहुत ही सुंदर बच्चा, भगवान का रूप है। अरे सब बड़ा पल, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप ऑर्डर कीजिए, आपको जो भी चीजें चाहिए आप फोन पर डिस्कस कीजिए, इनसे नॉलेज लीजिए, पूछे, अपना अपने भी कुछ राय दीजिए, अपना भी मशवरा दीजिए, और इनसे कुछ सीखिए भी। और साथ ही साथ में आप जिस भी जगह में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स आपके हिसाब से भी कस्टमाइज किए जाते हैं, मैंने देखा है, आपके हिसाब से हारमोनियम डिजाइन किए जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हारमोनियम है, आपके हिसाब से सारी की सारी चीजें कस्टमाइज की जा सकती हैं, आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं फिर भी आपको ये स्क्रीन पर आप अभी लिखा हुआ आ रहा है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए और जुड़िए और बढ़ाइए अच्छे संगीतकारों को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सब लोग बहुत खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, गाना बजाना करते रहे, बहुत अच्छे रहे, रियाजी रहे, खुश रहे भी और रखना भी सीखें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार।